is a man. And so is Shrish. Once a year, they make a discovery of what it's like to be a woman. Here in Bihar State, like the rest of India, it's Navratri. 9 days of celebration and fun. But one person's here to work. National TV journalist Ritu Paravaj. She's got something more serious on her mind. Women sometimes face a lot of problems. When you perform as a woman, do you face any? A lot. What kind? When we perform as women and go on the stage, जब स्टेज पर जाते हैं लड़का हो, वो लोग छेड़खानी करते हैं, समझ जाते हैं जो लड़की है, महिलाएं हैं, उसके साथ में जाकर के बदतमीजी बात करने लगते हैं, कुछ लोग उसमें बात करने लगते हैं, समझ लेते हैं जो अभी वो लेडीज हैं, मर्द होते हुए मैं महिलाओं के काम करते हैं, तो समझ लेते हैं लड़की है, इसी लेकर के वो लोग छेड़खानी करने की सामना कर लेते हैं. एक तो मर्द से औरत बनना, I can only औरत बनते हुए भी आप लोग मर्द को लोग नहीं छोड़ते हैं, तो औरत को क्या छोड़ेंगे, महिलाओं को क्या छोड़ेंगे? Celebrated in Navratri, the ideal feminine. Hindu India has many female goddesses, but across South Asia, real human women are widely disempowered, as Anand and Shrish know firsthand. So, आपको क्या लग, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि महिला पुरुष बराबर हैं? What would you tell the men? मतलब पुरुषों को क्या करना चाहिए? उस समय के टाइम में तो हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे महिला हैं, वैसे मैं भी हूँ, हम लोग एक समान मान लेते हैं. लेकिन जो हैं जितने लड़के लोगों को ये समझ में तो आता नहीं, तो अपने छेड़खानी की मतलब में रहते हैं. हम लोग इससे चाहते हैं कि कुछ घोषणा महिलाओं के लिए निकाला जाए, बहुत अच्छी बात रहेगी.